गाइस वेलकम और वेलकम बैक टू नेहू के व्लॉग्स। तो कैसे हो आप सब? मैं भी एकदम मस्त हूँ और अभी मैं जा रही हूँ स्कूल को, क्योंकि यस हमारी छुट्टियाँ नहीं हैं। अभी एक हफ्ते की छुट्टी थी, उसके बाद हम लोग कन्वेंसिंग के लिए गए थे सारे बच्चों के घरों पे चेकिंग के लिए। तो उसके बाद तो उस बीच में टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, तो मैंने सोचा काफ़ी टाइम से व्लॉग आया भी नहीं था, तो मैंने बोला चलो आज बनाते हैं। आज बच्चों का होमवर्क सबमिट होने वाला है स्कूल पर, तो हम लोग स्कूल पर जा रहे हैं, तो चलो और सबसे मिलते हैं। तो गाइस मैं पहुंच चुकी हूँ घर और मैं पहुंच गई थी, मतलब अभी पहुंची हूँ स्कूल से। बाकी स्कूल में कुछ अच्छा या कुछ इंटरेस्टिंग ऐसे हुआ नहीं था, और हम सब लोग बैठ के बात ही कर रहे थे। बाकी होमवर्क आ रहा था बच्चों का, तो वो भी चेक कर रहे थे साथ ही साथ, और कुछ टीचर्स जो बच्चों के घर बच गए थे वहाँ पर गए थे। तो वैसे ही बैठे थे, तो मुझे लगा अभी कुछ मेरा वो ही नहीं बनता है कि मैं अभी कुछ व्लॉग करूं, तो इसलिए मैंने नहीं किया उस टाइम पे। तो अभी तो मैं पहुंच गई हूँ घर पे, और मम्मी मार्केट गई थी आज, तो मम्मी मूंगफली लाई है। तो मम्मी लोग ने यहाँ पे पूरी मूंगफली सजा रखी है खा खा के, मैं भी टेस्ट करूँगी। और प्रियांशु बना रहा है अपने खोपड़े, ये हैं इसके अंदर, ऐसा ही है प्रियांशु के सर के अंदर, थोड़ा सा ना अपने आप को दिखाने की कोशिश कर रहा है। रात को ऐसा ही लगता है बिल्कुल ना प्रियांशु, तू ही है ना ये कॉमेडी। तो आंटी आप बताओ कैसा लग रहा है ठंडी का मौसम? बहुत गंदा है। बहुत गंदा गंदा काम, मुझे तो अच्छा लग रहा है। तेरे को लग रहा है अभी अच्छा? क्यों मर गए इतनी अच्छी धूप आई है। हाँ ये धूप, ये ठंडी धूप है। हाँ ठंडे से मर गए हम, जुराब पहन लिए कल के। हाँ गाइस मम्मी मेरे लिए जुराब लाई थी, मैंने आज ही पहन लिया। क्या इतनी हंसी आ रही है आपको? देखो गाइस मम्मी बताओ, मम्मी को तो ठंडा ही नहीं होता है मेरी आयरन में। सारा तेरे को बताया नम्मी सब ठंडो सब पूरे परिवार और निराश हो जाए। दीदी का माल तो बोल रही है, तू तो कंबल ओढ़ के दीदी ठंडा हो गया, ठंडा हो गया। मेरा नाम ठंडी है गाइस, मम्मी ने रखा है। तो गाइस मुझे लगी है भूख, और मैं बना रही हूँ अपने लिए चाय, जो कि मैं खाऊंगी ब्रेड के साथ, क्योंकि खाना नहीं बनाया है। मम्मी भी मार्केट गई थी, तो खाने के लिए कुछ नहीं है, तो मैं चाय बना रही हूँ, और मम्मी और आंटी भी मेरे साथ ही साथ चाय पी लेंगे तो सही हो जाएगा। जैसा कि आपको पता है चाय तो गाइस दिस इज माय टी, और ये इन दोनों की चाय कैसे सड़क की मार के खा रहे हैं, लेकिन मैं तो इसके साथ खाऊंगी सीधे रास्ते की। तो गाइस अभी हो चुकी है शाम, और अभी मैं मम्मी लोगों के साथ जा रही हूँ डेयरी दूध देने, और वहाँ से कुछ सामान लेने, क्योंकि कल हम लोग कहीं जाने वाले हैं, तो वो आपको आने वाले व्लॉग्स में पता चल जाएगा कि हम कहाँ जाने वाले हैं। बाकी तब तक आप इस व्लॉग को एंजॉय करो। मैं बता दूं, आज क्यों बताओगे, क्यों बताओगे आप? आज ही बता दे। कौन हो आप बताने वाले? मैं तेरी आंटी। तो आप बता दोगे, मतलब तो? कोई जरूरत नहीं है बताने की, तेरे ब्लॉग देखने पता चल जाएगा। पहले मैं बता देती हूं, आंटी हीरोइन बन रही है ज्यादा ही। आंटी के मुँह में मच्छर चले गया आंटी मच्छर, आंटी को कुछ नहीं मिल रहा, आंटी मच्छर खा रही है। अब आंटी के मच्छर जाता है मुंह में तो मिठाई खाते हैं। तो गाइस अभी पहुंच चुके हैं हम घर पे, और खाना भी बन गया है, तो मैं तो अपना खाना लेके जा रही हूँ, और प्रियांशु ने तो खा भी दिया है। मम्मी अभी अपने लिए बना रही है माड़े, क्योंकि मम्मी के हो रहा है दांत में दर्द, और मम्मी रोटी नहीं खा पा रही, इसलिए हम फटाफट अपना खाना खाते हैं। तो गाइस मम्मी ने खाना खा लिया है, और बहुत बड़ी दुविधा में हूँ मैं। अभी मैं पैकिंग करने वाली थी कल के लिए, बट मुझे याद आया कि मैंने शूज़ धोए हुए थे और वो सूखे ही नहीं है। तो गाइस मैंने ट्राई कर रही हूँ मैं इससे कुछ हो पाए तो, अगर इससे हो जाए तो मैं आपको भी बताऊँगी कि यह हो गया। बाकी अभी मैं थोड़ी देर फ़ोन चार्ज में रख देती, तब तक मेरा ये काम करती हूँ मैं अपना, भगवान जी करे हो जाए बस। सो गाइस फाइनली मेरे जो शूज़ है वो सूख गए हैं,
ये बहुत ज्यादा काम आ गया है हमारे आज के दिन, काफी ज्यादा नीड हो गई थी इसकी। तो यार अभी जो है मैंने जूतों को पंखे के नीचे भी रख दिया है कि थोड़े बहुत जो भी थोड़ा बहुत बचा है वो सुबह तक एकदम सूख जाएगा। अभी मैं फ़िलहाल करती हूँ पैकिंग। उससे पहले मैं आपको दिखा देती हूँ कि मम्मी ने ये सामान जम के रखा है, अब आप खुद ही अंदाज़ा लगा लो। और मम्मी सुबह सुबह बनाने वाली है हमारे लिए आलू के पराठे। सो यस, अभी से तैयारी शुरू है हमारी आलू के पराठे बनाने की। और ये कुछ सामान है जो हमको लेके जाना है। तो आप लोग अंदाज़ा लगाओगे हम कहाँ जाने वाले हैं ना। आधे लोगों को तो पता ही होगा क्योंकि मैंने बोल बोल के बता ही दिया है, मतलब जो मेरे से फेस टू फेस मिलते हैं उनकी बात कर रही हूँ मैं। बाकियों को नहीं पता होगा तो उनके लिए थोड़ा सा सरप्राइज हो सकते हैं। तो इसी के साथ आज व्लॉग को एंड करते हैं अभी, क्योंकि मुझे इसके बाद एडिटिंग भी करनी है और क्या बोलते उसको, हाँ अपलोड भी करना है, वरना आपको व्लॉग कल भी नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आपसे लेती हूँ मैं विदा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कर देना मेरे यूट्यूब चैनल को। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।